श्रेष्ठ गीत दूल्हा और दुल्हन। इसमें हम देखेंगे प्रेम का आरंभ, प्रेम का बढ़ना और परिपक्व प्रेम। सुलेमान का गीत श्रेष्ठ गीत और कैंटिकल्ज सर्वश्रेष्ठ गीत भी कहलाता है। इस पुस्तक में प्रभु यहोवा शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। यहोवा की लपटे 8:6। कुछ मसीही इस पुस्तक को पढ़ने में शर्माते हैं, क्योंकि विवाहित जीवन के लैंगिक भाग के विषय में उनमें एक गलत समझ है। ये इसलिए है क्योंकि लैंगिक संबंध के विषय में उनकी समझ सिनेमा और जगत के मीडिया में से आई है। परमेश्वर इस पुस्तक में से हमें स्पष्ट रूप में दो पाठ सिखाना चाहते हैं। एक ये कि विवाह में लैंगिक संबंध बहुत अच्छा है और बहुत जरूरी है। दो ये कि मसीह के साथ हमारा संबंध ऐसा ही घनिष्ठ और उष्म हो जैसा एक प्रेमी दुल्हन का अपने दूल्हे के साथ होता है। आदम और हव्वा में लैंगिक क्रिया की रचना करने वाला परमेश्वर ही था। उनके लैंगिक अंग बनाने के बाद उसने आदम और हव्वा से कहा कि फूलों फलो, जो कि स्पष्ट है कि उनके लैंगिक अंगों द्वारा ही होना था। उत्पत्ति 1:28। फिर परमेश्वर ने वो सब कुछ देखा जो उसने बनाया था, लैंगिक क्रिया सहित, और उसने सभी को बहुत अच्छा घोषित किया। उत्पत्ति 1:31। अगर बाइबल के पहले ही पृष्ठ पर स्वयं परमेश्वर ने ही एक पति और पत्नी के बीच लैंगिक संबंध को बहुत अच्छा घोषित किया है, तो हमें इस विषय पर किसी दूसरे का मत जानने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा है। लेकिन सुलेमान के गीत में हम ये सीखते हैं कि एक दूसरे के प्रति स्वार्थ रहित प्रेम ही एक लैंगिक क्रिया को एक विवाह में शुद्ध और पवित्र बनाए रखता है। एक प्रेम रहित लैंगिक संबंध शारीरिक होता है। लैंगिक क्रिया परमेश्वर ने बनाई है, लेकिन अन्य बातों की तरह शैतान ने विवाह के संबंध से बाहर भी लोगों को लैंगिक क्रिया में लिप्त करने द्वारा उसे भ्रष्ट कर दिया है। अणु के विषय में विचार करें। लैंगिक संबंध की तरह वह भी परमेश्वर द्वारा बनाया गया है, लेकिन मनुष्य ने उसे अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल किया है। अणु के टूटने से प्रवाहित होने वाली ऊर्जा से एक पूरे शहर को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जा सकती है, या उससे एक बॉम्ब बनाया जा सकता है जो हजारों लोगों का नाश कर सकता है। या बारूद के विषय में विचार करें। इसका इस्तेमाल एक घर की बुनियाद डालने के लिए, एक चट्टान को तोड़ने के लिए हो सकता है, या इससे एक बॉम्ब भी बनाया जा सकता है जो लोगों को घात कर सकता है। लैंगिक संभोग भी अच्छे और बुरे दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है। परमेश्वर ने एक बार पत्रस को दर्शन में स्वर्ग से एक चादर उतरती हुई दिखाई, जिस पर शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशु थे, और पत्रस से ये कहा गया कि वह उसमें से मारे और खाए। तब पत्रस ने ऐसा करने से इनकार किया, क्योंकि वह यहूदी व्यवस्था के नियमों के विरुद्ध था। तब परमेश्वर ने उसे कहा, जिसे परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है तू उसे अशुद्ध न ठहरा। प्रेरितों 10:15। हम लैंगिकता के लिए भी यही शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया है उसे अशुद्ध न कहा जाए। संसार लैंगिक संबंध का गलत इस्तेमाल करता है, तब निश्चित रूप में वह अशुद्ध भी है और दुष्टता पूर्ण भी। ये एक पति और पत्नी को
एक पवित्र संबंध में बांधे रखता है। इस कारण मैं हर एक पति और पत्नी को उत्साहित करना चाहता हूँ कि वे एक दूसरे को सुलेमान का गीत, श्रेष्ठ गीत पढ़कर सुनाएं। ये पुस्तक आपको सिखाएगी कि आप एक दूसरे के प्रति लापरवाह न हो, बल्कि एक दूसरे को सराहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में पति और पत्नी एक दूसरे की सराहना नहीं करते और ज्यादातर मामलों में उनका लैंगिक समागम यांत्रिक होता है। ये पुस्तक आपको वैवाहिक संबंध में आपस में बातचीत करने के महत्व को भी समझाएगी। एक दूसरे से कोमल और स्नेह भरे स्वर में बातचीत करना, ये पुस्तक एक बहुत यथार्थवादी पुस्तक भी है। ये दर्शाती है कि कैसे हर एक वैवाहिक संबंध में उतार चढ़ाव आते हैं और कैसे वो समय भी आ जाता है जब प्रेम की कोई भावना ही नहीं होती, लेकिन फिर कैसे सच्चा प्रेम सारी विषमताओं पर प्रबल होकर जय पाता है। ये पुस्तक ये भी सिखाती है कि एक मृतप्राय वैवाहिक संबंध को कैसे नवजीवित किया जा सकता है। इस तरह ये विवाह में प्रेम और लैंगिक संबंध के परमेश्वर के अद्भुत दान की जमीनी हकीकतों के विषय में एक वास्तविक और व्यावहारिक पुस्तक है। सुलेमान का गीत मसीह और कलीसिया का भी एक चित्र है। सभी विश्वासी, विवाहित और अविवाहित, दोनों ही इस पुस्तक को इस तरह पढ़ सकते हैं और प्रभु के साथ अपने संबंध को एक गहरे स्तर में ले जा सकते हैं। 1961 में बपतिस्मा लेने के बाद सुलेमान का गीत वो पहली पुस्तक है जिसका मैंने विस्तार से अध्ययन किया था। उस समय मैं एक ऐसे जहाज पर काम करता था जो भारतीय समुद्र तट के निर्जन क्षेत्रों में लंबे समय तक पानी में रहता था। परिणाम स्वरूप मेरा विश्वासियों के साथ अनेक सप्ताहों तक कोई संपर्क नहीं हो पाता था। उस समय इस पुस्तक के अध्ययन ने मेरे जीव के वर के रूप में प्रभु यीशु के प्रति मेरे भक्ति को गहराई में पहुंचाया था। मैंने ये पाया कि मैं उसे बहुत प्रिय था और वह मुझे बहुत प्रिय हो गया। मैंने उसके असीम प्रेम की गहराई में विश्राम पाना, उसमें पूरा भरोसा करना, उस पर पूरी तरह से निर्भर रहना और अपने पूरे दिल और जान से उससे प्रेम करना सीख लिया। तब से इन बीते वर्षों के दौरान मेरा प्रभु के साथ रिश्ता गहरा होता गया है और इसी बात ने मुझे विश्वास में ठंडा होने और भटक जाने से बचाए रखा है। इसलिए ये पुस्तक मेरे लिए बहुत मूल्यवान है। प्रकाशित वाक्य 14:3 में हम पढ़ते हैं कि वे जो मेमने के पीछे चलते थे एक ऐसा नया गीत गा रहे थे जो और कोई नहीं सीख सकता था। 144,000 लोगों का ये छोटा समूह मसीह की उस दुल्हन का प्रतीक है जो अपने पार्थिव जीवन में दूल्हे के पद चिन्हों पर चली थी। ये गीत सिर्फ दुल्हन ही सीख सकती थी क्योंकि ये गीत उसके प्रीतम का गीत था। सुलेमान का गीत दुल्हन के इस गीत का चित्रण प्रस्तुत करता है। आप ये गीत बाइबल का अध्ययन करने से नहीं, सिर्फ यीशु के पीछे चलने से ही सीख सकते हैं। दुल्हन ने वह गीत तब सीखा था जब वह पृथ्वी पर थी। प्रभु हमारे पार्थिव जीवन में हमें बहुत सी परीक्षाओं में से लेकर चलता है और उन्हीं परीक्षाओं में हम वह गीत सीखते हैं। सेवकाई हमारे जीवन में प्राथमिक लक्ष्य नहीं होना चाहिए। प्रभु का प्रेम
हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। 50 सालों तक प्रभु की पूर्णकालिक सेवा करने के बाद मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु के प्रति मेरी भक्ति मेरी पूरी सेवकाई का आधार है। अगर मसीह के प्रति हमारी भक्ति कम हो जाती हो तो परमेश्वर की नजर में हमारी सेवकाई का कोई मूल्य नहीं है। हम ये बात प्रभु द्वारा इफिसुस के कलीसिया के दूत को दी गई ताड़ना में देख सकते हैं, जब प्रभु ने उससे ये कहा, मैं तेरे कामों, धैर्य और परिश्रम को जानता हूँ, लेकिन मुझे तेरे खिलाफ ये कहना है, तू मुझसे अब वह प्रेम नहीं करता जो पहले करता था। प्रकाशित वाक्य 2:2-4 लिविंग बाइबल। ये इतनी बड़ी निष्फलता थी कि प्रभु ने इफिसुस में से उसकी कलीसिया के रूप में पहचान को ही मिटा देने की धमकी दी। प्रकाशित वाक्य 2:5। मसीह के साथ एक व्यक्तिगत स्नेहमयी भक्तिपूर्ण संबंध ही वह मूल स्रोत है जिसमें से सारी सच्ची सेवा प्रवाहित होती है, चाहे वह सुसमाचार प्रचार हो, कलीसिया स्थापन हो, बाइबल की शिक्षा हो या फिर समाज सेवा हो। हमें पहले दूल्हे और दुल्हन का गीत सीख लेना चाहिए, वह गीत जो हमारा प्रभु हमें सुनाता है और फिर हम उसे सुनाते हैं। नीति वचन ईश्वरीय बुद्धि की और सभोपदेशक मानवीय बुद्धि की बात करती है, लेकिन सुलेमान का गीत ईश्वरीय प्रेम की बात करती है। बहुत लोग बाइबल के ज्ञान की खोज में रहते हैं, लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को खोजता है जो उससे प्रेम करते हैं। हमारे बाइबल के ज्ञान का सिर्फ तभी कुछ मूल्य हो सकता है। सुलेमान के गीत में हम दुल्हन के प्रेम को बढ़ता हुआ पाते हैं। पहले अध्याय में हम प्रेम की शुरुआत पाते हैं, लेकिन ये एक मोह के समान है। जब जवान लोग ये कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो असल में वो सिर्फ एक दूसरे के मोहपाश में बंधे होते हैं। सच्चे प्रेम का प्रेरक बल उसका निस्वार्थ होना होता है, जबकि मोह स्वार्थी होता है। इस संसार में प्रेम की सबसे शुद्ध अभिव्यक्ति, जैसा कि सिनेमा के पर्दे पर दर्शाया जाता है या युवाओं की भावुक कहानियों में बताया जाता है, एक स्त्री और पुरुष का प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम एक माँ और उसके निसहाय बच्चे के बीच में देखा जा सकता है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ त्याग देती है। जब बच्चा बीमार हो जाता है, तब हम उसके प्रेम को विशेष रूप में देख सकते हैं। जवान स्त्री और पुरुष जो ये कहते हैं कि वे एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए हैं, एक दूसरे के लिए वैसा निस्वार्थ त्याग नहीं करते जैसा एक माँ वर्ष प्रति वर्ष अपने बच्चे के लिए करती है। उनका वह मोह तभी तक रहता है जब तक सब उनकी इच्छा के अनुसार चलता रहता है, लेकिन एक सच्ची माँ का प्रेम ऐसा नहीं होता। वह उसके बच्चे की तरफ से किसी भी तरह के प्रत्युत्तर से मुक्त होता है। बच्चा अपंग या बीमार हो सकता है, लेकिन उसकी माँ उससे प्रेम करती रहती है एक अनंत रूप में। इस पृथ्वी पर हम इस प्रेम को ही परमेश्वर के प्रेम के सबसे नजदीक पाते हैं, और यही वजह है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम की तुलना एक माँ के नवजात शिशु से की है। यशया 49:15। जब एक पति और पत्नी एक दूसरे से इस तरह प्रेम करने लगेंगे, सिर्फ तभी
वे प्रेम की वास्तविकता समझ पाएंगे। लेकिन प्रेम को ऐसा परिपक्व होने में समय लगता है। विवाह के आरंभ में पति पत्नी के संबंध में काफी स्वार्थ होता है। पति को पत्नी से ऐसा कुछ चाहिए होता है जो उसे संतुष्ट कर सके, और पत्नी को पति से ऐसा कुछ चाहिए होता है जो उसे संतुष्ट कर सके। पुरुष को अक्सर लैंगिक संतुष्टि और उसकी सेवा करने वाला कोई चाहिए होता है, और स्त्री को अक्सर सुरक्षा और एक आरामदायक जीवन चाहिए होता है। दोनों ही स्वार्थी है, लेकिन ये मोहपाश प्रेम में बदल सकता है और फिर वे एक दूसरे के प्रति निस्वार्थ रूप में समर्पित हो सकते हैं। प्रभु के साथ भी हमारा संबंध ऐसे ही स्वार्थ के साथ शुरू हो सकता है। हम शुरू में परमेश्वर के पास इसलिए आ सकते हैं क्योंकि हमें अपने लिए कुछ चाहिए, शायद नरक से मुक्ति या चंगाई या धन या किसी समस्या का समाधान या एक अभिषेक से भरी सेवकाई। ये सारी अभिलाषाएं स्व केंद्रित है। लेकिन जब प्रेम परिपक्व होने लगता है तब हम कहते हैं, प्रभु मैं स्वास्थ्य, धन या कोई सेवकाई भी नहीं चाहता, मेरे पास तू है और मुझे बस यही चाहिए। तू मेरे पार्थिव जीवन में से ज्यादा निकाल ले। तब हम ये नहीं सोच रहे होंगे कि हम प्रभु से क्या पा सकते हैं, बल्कि ये कि प्रभु हम में से क्या पा सकता है। ये परिपक्व प्रेम है। हमारे लिए यीशु का प्रेम ऐसा ही था। जब वह पृथ्वी पर आया तब वह ये नहीं सोच रहा था कि मैं मनुष्य से अपने लिए क्या पा सकता हूँ। नहीं, वह ये सोच रहा था मैं मनुष्य को क्या दे सकता हूँ। ईश्वरीय प्रेम हमेशा ऐसा ही सोचता है, और ये वह परिपक्व प्रेम है जो हम इस पुस्तक के अंत में अध्याय 8 में पाते हैं। वह प्रेम जो परखा नहीं गया था फिर बदल कर सच्चा ईश्वरीय प्रेम बन जाता है। भजनकार ने कहा, स्वर्ग में मेरा और कौन है, पृथ्वी पर मैं तेरे अलावा और कुछ नहीं चाहता। भजन संहिता 73:25। ये एक ऐसे व्यक्ति की अभिव्यक्ति है जो अपने प्रभु के लिए अपने प्रेम में परिपक्व हो गया है। अब वह स्वास्थ्य, धन या पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता। उसके लिए प्रभु ही काफी है। प्रेम का आरंभ, अध्याय 1:1। सबसे पहले हम यही पाते हैं कि ये सुलेमान का गीत है। प्राथमिक तौर पर ये दुल्हन का नहीं, दूल्हे का गीत है। इसका अर्थ है कि ये प्राथमिक तौर पर प्रभु का गीत है जो हमारे लिए है। उसके लिए हमारा गीत नहीं है। हम उससे इसलिए प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया है। 1 यूहन्ना 4:19। हमने उससे पहले प्रेम नहीं किया, उसने हमसे पहले प्रेम किया है। उसने क्योंकि ये गीत पहले हमारे लिए गाया था, इसलिए अब हम उसके लिए एक गीत गा सकते हैं। अपने सोच विचार की शुरुआत कभी भी प्रभु के लिए आपके प्रेम से न करें। हमारी शुरुआत का बिंदु हमेशा हमारे लिए उसका प्रेम हो, तब हम गलती नहीं करेंगे और हम कभी निराश भी नहीं होंगे और अपने आप को दोषी भी नहीं ठहराएंगे। यह पहला भाग प्रभु के प्रेम में पड़ने के विषय में बात करता है। पुरुष के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है, वह तो पूर्वानुमानित है।
क्योंकि दुल्हन के लिए पूरे जगत में सिर्फ एक ही दूल्हा होता है और वह उसका प्रियतम है। दुल्हन अपने दूल्हे के साथ अकेली ऊपर गई है और वह कहती है, तेरा प्रेम तो जगत के सारे दाक मधु से उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है। पद 3। दूल्हा उस सारे भोग विलास दाक मधु से बढ़कर जो ये जगत दे सकता है। फिर वह कहती है, मुझे अपनी अनुगामिनी बना ले और हम साथ साथ दौड़े। पद 4। इस पर ध्यान दीजिए, प्रेम धकेलता नहीं है, अपनी तरफ खींचता है। धकेलने और अपनी ओर खींचने में बहुत बड़ा फर्क है। शैतान हमें धकेलता है, लेकिन परमेश्वर हमें अपनी ओर खींचता है। यीशु ने कहा, अगर मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो मैं बहुत लोगों को अपनी ओर खींच लाऊंगा। यूहन्ना 12:32। वह हमें अपनी तरफ ऐसे ही खींचना चाहता है जैसे एक चुंबक लोहे की छोटी छोटी चीजों को अपनी तरफ खींचता है। प्रभु किसी को नहीं धकेलेगा। अच्छा चरवाह होते हुए वो हमारे आगे आगे चलेगा और उसके पीछे आने के लिए हमें अपनी ओर खींचेगा। अगर किसी भी जगह पहुंचने के बाद हम उसके पीछे चलना नहीं चाहेंगे तो वो हमें बलपूर्वक नहीं ले जाएगा। हमारे प्रभु की ये एक बहुत ही अद्भुत बात है और इस तरह ही हम प्रभु की अगुवाई के शांत आग्रह और शैतान के बेचैन दुराग्रह के बीच का फर्क जान पाते हैं। इस तरह ही हम एक ईश्वरीय अगुए और एक झूठे धार्मिक पंथ के अगुए के बीच का फर्क भी जान सकते हैं। ईश्वरीय भक्ति से पूर्ण लोग हमारे आगे चलते हैं और हमें पौलुस की तरह अपने पीछे आने के लिए आमंत्रित करते हैं। 1 कुरिन्थियों 11:1। लेकिन झूठे धार्मिक पंथों के अगुए तानाशाहों जैसे होते हैं, जो अपने प्रचार और परामर्श द्वारा लोगों को उनके बताए रास्ते पर बलपूर्वक ले चलते हैं। इस पुस्तक में से हम कितने अद्भुत पाठ सीख सकते हैं, जो हमें झूठे अगुओं के पीछे चलने से भी बचाए रखती है। एक परिवार में एक पति को एक आदर्श उदाहरण बनने के द्वारा ही उसकी पत्नी को उसकी तरफ खींचना चाहिए। उसे ये कहते हुए धकेलना नहीं चाहिए, ये काम अभी हो जाना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी को किसी बात में सुधरने की जरूरत है? तो उस बात में उसके लिए एक अच्छा उदाहरण बनकर उसके आगे आगे चले और उसे उसकी अपनी गति और समय में आपके पीछे आने दे। उसे जबरदस्ती वो काम न कराए। ये ईश्वरीय तरीका है। यही सिद्धांत हमारे कलीसियाई संबंधों पर भी लागू होता है। दुल्हन दूल्हे को उसका राजा कहती है। पद 4। हमें यीशु को हमारे दूल्हे के रूप में जानने से पहले हमारे राजा के रूप में जानना चाहिए। बहुत से मसीही प्रभु के साथ इस प्रेम संबंध में इसलिए प्रवेश नहीं कर पाते क्योंकि वे उसे उनके पूरे जीवन भर अपने प्रभु और राजा के रूप में नहीं जान पाते हैं। उनके जीवन के कुछ क्षेत्र कभी नहीं टूटते। हम यहाँ यरूशलेम की पुत्रियों या यरूशलेम की स्त्रियों के विषय में भी पढ़ते हैं। 1:5। ये वाक्यांश उन गुनगुने विश्वासियों के विषय में बताता है जो प्रभु से प्रज्वलित होकर प्रेम नहीं करते। वही है जो यीशु के प्रति अपनी व्यक्तिगत भक्ति में नहीं
बल्कि अपनी मसीही सेवकाई, प्रचार, शिक्षण, बाइबल अध्ययन आदि में अति व्यस्त मस्त हो गए हैं। वे पाप में नहीं जी रहे हैं, लेकिन वे आग से भरकर प्रभु से प्रेम भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जिनमें एक दुल्हन का दिल है, जो उसे भक्ति पूर्वक समर्पित है और जिनकी सेवा ऐसे प्रेमी हृदय में से आती है। दुल्हन ने इन स्त्रियों से कहा, मैं काली तो हूँ पर सुंदर हूँ। उसका कहने का अर्थ ये था कि हालांकि वो आकर्षक नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके दूल्हे ने उसे चुना था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इस जगत के शक्तिशाली, श्रेष्ठ और चतुर लोगों को नहीं, लेकिन मूल रूप से मूर्ख और गरीब लोगों को ही चुना है। 1 कुरिन्थियों 1:26-29। हम में से कुछ शायद ऐसा महसूस कर सकते हैं, मैं दूसरे लोगों की तरह सक्षम नहीं हूँ, मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं दूसरों की तरह बोल नहीं सकता, मैं अपनी योग्यताओं में कितना सीमित हूँ। फिर भी प्रभु ने हमें चुना है। यरूशलेम में बहुत सी सुंदर स्त्रियाँ थी, लेकिन दूल्हे ने इस काली स्त्री को ही चुना। यीशु ये करता है क्योंकि वह भारी रूप, दान वरदान या योग्यताओं को नहीं, हृदय की अच्छाइयों को देखता है। यह हमें कुछ सीखने की जरूरत है। हमारी सभी प्राकृतिक क्षमताओं, पारिवारिक पृष्ठभूमियों और सारी उपलब्धियों का परमेश्वर की नजर में कोई मूल्य नहीं है। वह सिर्फ एक प्रेम से भरा, भक्ति पूर्ण हृदय ढूंढता है। प्रभु जब किसी को उसके सेवक के रूप में देखना चाहता है, तब वह उस व्यक्ति में यही ढूंढता है। दुल्हन जानती थी कि हालांकि वह काली है, फिर भी वह उसके दूल्हे की नजर में सुंदर है। बहुत से विवाहित स्त्रियां बड़ी पीड़ा सहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पतियों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया है और वे उनसे खुश नहीं हैं। मैं अपनी पत्नी से आनंद मनाता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब जो पति हैं, वे भी ये आनंद मनाएं। ये बहुत जरूरी है कि आपकी पत्नी ये जाने कि आप उसमें आनंदित रहते हैं। इसी तरह बहुत से विश्वासी भी ये नहीं समझते कि प्रभु उनमें आनंदित रहता है। सपन्या 3:17 कहता है, तेरा परमेश्वर तेरे बीच में पराक्रमी योद्धा है, वह तेरे कारण हर्ष से जय जयकार करता है। हमें अपने बच्चों के रूप में पाकर परमेश्वर बहुत हर्षित होता है। क्या आप ये जानते हैं, हम मनुष्यों की नजर में बदसूरत हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में हम उसके खूबसूरत बच्चे हैं। ये बहुत जरूरी है कि हम ये स्पष्ट रूप में समझ ले। नगर की है सुंदर गोरी लड़कियों, मुझे नीची नजर से न देखो। 1:6। वह गांव की अल्लड़ लड़की थी और यरूशलेम की सुसंस्कृत शहरी लड़कियां उसे तुच्छ समझ रही थी, लेकिन दूल्हे ने उन सारी आकर्षक और मनोहर लड़कियों को अनदेखा कर इस गांव की लड़की को पसंद किया था। प्रभु ने हमें इसी तरह पसंद किया है। इस बात के लिए प्रभु की स्तुति हो। क्या दूसरे विश्वासी आपको नीची नजर से देख रहे हैं? निराश न हो, क्योंकि आप प्रभु की नजर में बहुत मूल्यवान हैं। एज़केल 16 ये दर्शाने वाला एक सुंदर अध्याय है कि कैसे परमेश्वर ने हमें तब चुना
जब हम गंदे और घिनौने थे और सड़क के किनारे एक अनदेखी और असहाय दशा में पड़े हुए थे। उन्होंने मुझे दाग की बारी की रखवालिन बना दिया था, परंतु मैंने अपनी निज दाग की बारी की रखवाली नहीं की। 1-6 दूसरी दागबारियां हमारी सेवकाई के विषय में बताती है। मेरी दाग की बारी मेरा जीवन और परमेश्वर के साथ मेरा चलना है। ये बहुत से प्रचारकों द्वारा की जाने वाली एक आम गलती है। वे प्रभु के काम में बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन वे अपनी दाग की बारी की देखभाल नहीं करते। वे बहुत सी गतिविधियों में व्यस्त रहते हैं, लेकिन प्रभु के साथ व्यक्तिगत रूप से चलने को अनदेखा करते रहते हैं। वे हमेशा आंकड़ों के विषय में सोचते रहते हैं कि वे कितने लोगों को प्रभु में लाए हैं, कितनी जगह गए हैं आदि। सुलेमान का गीत हमें शुरू में ही इस खतरे के प्रति सचेत करता है। पौलुस ने तिमुथियों से कहा, अपने ऊपर और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि ऐसा करने से तू अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। 1 तिमुथियों 4:16। हम ये पाते हैं कि दुल्हन की दिलचस्पी दो बातों में थी। तू अपनी भेड़े कहाँ चराता है और तू उन्हें विश्राम के लिए कहाँ बैठाता है? 1:7। हमें भी प्रभु से इन्हीं दो चीजों की जरूरत होती है, भोजन और विश्राम। तब दूल्हे ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, तू कितनी सुंदर है। हमें प्रभु से ये शब्द सुनने की जरूरत है। ये शब्द हमें आश्वस्त करते हैं कि प्रभु वास्तव में हमें आनंदित रहता है। पत्नियों को भी अपने पतियों से सराहना के ऐसे शब्द सुनने की जरूरत होती है। एक पत्नी प्रेम का ऐसा आश्वासन चाहती है जो उसके वैवाहिक जीवन में उसे सुरक्षा प्रदान करे, ठीक वैसे ही जैसे उसका पति उससे लैंगिक संबंधों में आश्वस्त रहना चाहता है। एक पत्नी को अपने पति की लैंगिक जरूरतें पूरी करनी चाहिए और एक पति को भी अपनी पत्नी को प्रेम का वह आश्वासन देना चाहिए जो वह चाहती है। हम इन बातों के विषय में निसंकोच बात कर सकते हैं, क्योंकि ये आत्मिक मामले है। ये अफसोस की बात है कि बहुत से प्रचारक पुलपिट पर से लैंगिक विषय पर बात नहीं करते। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय की जो भी समझ युवा मसीहों के पास है, वो उन्हें संसार से मिलती है। वे इस विषय में सिर्फ शैतान का ही विवरण जानते हैं। बाइबल लैंगिकता के विषय में खुलकर और साफ साफ बात करती है और हमें बताती है कि इस मामले में परमेश्वर का मानक मापदंड क्या है। इस प्रकार हम यहाँ से प्रेम का आरंभ होना देखते हैं। इस वास्तविकता में आनंद मनाना कि परमेश्वर ने हमें स्वीकार किया है और यही वजह है कि हम इतने आशीषित है। प्रेम का बढ़ना, अध्याय 2-6 में हम प्रेम के बढ़ने के विषय में पढ़ते हैं, जो अध्याय 8 में उसकी पराकाष्ठा पर पहुंचता है। दुल्हन के प्रेम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और ऐसे भी समय होते हैं जब प्रेम की कोई अनुभूति ही नहीं होती। 2:1 में दुल्हन कहती है, मैं तो बस शारोन का गुलाब और घाटियों की सोसन हूँ। ये अभिव्यक्तियाँ जरा ध्यान दीजिए, दूल्हे के विषय में नहीं बल्कि दुल्हन के विषय में बताती है।
बहुत से गानों में यीशु को शारोन का गुलाब और घाटियों की सोसन कहा गया है, लेकिन ये वचन के अनुसार नहीं है। ये दुल्हन है जो दूल्हे से कह रही है, मैं तो शारोन का एक मामूली गुलाब हूँ। शारोन में हजारों गुलाब है और मैं बस उनमें से एक हूँ। मैं घाटी की एक मामूली सोसन हूँ। लेकिन दूल्हा कहता है, तू वह सोसन है जो कांटों के बीच में है। दो दो, यरूशलेम की गोरी और आकर्षक लड़कियों का बाहरी रूप अच्छा था, लेकिन वे ऐसी थी जैसे सुअर के थोथन में सोने की नत। नीति वचन 11:22। आकर्षक, लेकिन जिनमें प्रभु के लिए कोई भक्ति नहीं थी, इसलिए दूल्हे ने उनकी तुलना कांटों से की। इन कांटों के बीच में उसकी दुल्हन एक सोसन की तरह थी। फिर दुल्हन आगे कहती है, वह मुझे भोज गृह में ले आया है, और अब सब ये देख सकते हैं कि उसके प्रेम की ध्वजा मुझ पर लहरा रही है। 2:4, उड़ाऊ पुत्र का पिता अपने पुत्र को भोजन की मेज पर लाया। यीशु अपने शिष्यों के साथ भोजन की मेज पर बैठा। मेज संगति के विषय में बताती है। मेज पर हम प्रभु के लिए अपनी सेवकाई में व्यस्त नहीं होते, बल्कि प्रभु के साथ संगति करते हैं। हम उसके साथ भोजन करते हैं। देखिए प्रकाशित वाक्य 3:20। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि दूल्हा और दुल्हन खेतों में जाते हैं। प्रभु के साथ मेज पर बैठने और संगति करने से पहले कभी सेवकाई के लिए खेतों में जाने की कोशिश न करें। आदम का पहला दिन परमेश्वर के साथ विश्राम और संगति का दिन था, क्योंकि आदम छठे दिन रचा गया था। इसके बाद ही परमेश्वर ने उसे वाटिका में काम करने के लिए भेजा था। दुल्हन ने कहा, मुझे अपने प्रेम से पोषित कर, मुझे प्रेम रोग हो गया है। इसका अर्थ है, प्रभु यीशु, तू मेरे लिए सब कुछ है। मैं आनंद मनाना और तेरे प्रेम की सुरक्षा में रहना चाहती हूँ। इस संसार में अब मेरे लिए कोई आकर्षण नहीं रह गया है। इस गीत में प्रेम की ऐसी बहुत सी सुंदर अभिव्यक्तियां हैं, जो प्रभु के साथ हमारे रिश्ते को गहराई में ले जा सकती है और हमें संसार से विरक्त कर सकती है। दूल्हा कहता है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुम्हें शपथ दिलाकर कहता हूँ कि जब तक प्रेम स्वतः न जाग उठे, तब तक तुम उसे न जगाना, न उकसाना। 2:7, ये ऐसा पद है जिसे सभी जवान स्त्रियों और पुरुषों को अपने आपसी संबंधों में याद रखना चाहिए। प्रेम को सही समय से पहले न जगाए, न उकसाए, जब तक परमेश्वर का नियुक्त समय न हो, तब तक अपनी भावनाओं को विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति से प्रेम करने के लिए न जगाए। सचेत रहे, अगर आप एक ईश्वरीय स्त्री या पुरुष के रूप में बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी भावनाओं को वश में रखें। आपके अंदर भावनाएं तो जरूर होगी, लेकिन उन भावनाओं को ये अनुमति कभी न दे कि वे आपको अपने वश में कर ले और आपको ऐसी दिशाओं में ले जाए कि फिर आपको पछताना पड़े। शैतान जब भी एक जवान लड़के
और लड़की को प्रभु के लिए उत्साह से भरता हुआ देखता है तो वह उस पर नजर रखता है, क्योंकि उसे ये महसूस होने लगता है कि वह पृथ्वी पर उसके राज्य के लिए एक खतरा बन जाएगा। तो वह उसका विवाह किसी शारीरिक और सांसारिक स्त्री पुरुष से करवाने द्वारा उसका नाश करने का प्रयास करता है। भारत में बहुत से घर एक ईश्वरीय घर इसलिए नहीं बन सके क्योंकि ईश्वरीय युवाओं ने ईश्वरीय युवतियों से विवाह नहीं किए। इसलिए जब तक सही समय न हो तब तक अपने प्रेम को न जगाए। लेकिन मोह प्रतीक्षा नहीं करता। युवा पुरुष अक्सर लैंगिक संबंध के लिए उतावले रहते हैं। उनका मनोभाव ये होता है, मुझे अभी लैंगिक संबंध बना लेना चाहिए, मैं विवाह होने तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। लेकिन एक ईश्वरीय व्यक्ति प्रतीक्षा कर सकता है, क्योंकि आत्म संयम पवित्र आत्मा का फल है। जब आपके अंदर किसी के प्रति भावनाएं जागने लगे तो सचेत हो जाए। आपके प्रेम को तब तक न जगाए जब तक सही समय न हो जाए, और सही समय तब होता है जब आपके विवाह की तैयारी के लिए आपकी सगाई हो जाती है। अनेक जवान लोग पवित्र शास्त्र का इसलिए अध्ययन नहीं कर पाते क्योंकि अपने जीवन साथी के रूप में वे किसी न किसी लड़की के लिए दिन भर सपने देखते रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वे कोई घिनौने लैंगिक विचार करते रहते हैं, लेकिन वे प्रभु की आवाज सुनने पर ध्यान नहीं लगा सकते। मेरा प्रियतम पर्वतों पर चढ़ता और पहाड़ियों पर कूदता फांदता आ रहा है, 2:8। ये उस उत्सुकता के विषय में बताता है जिसमें होकर प्रभु हमारे पास आता है, और ये प्रभु के पृथ्वी पर लौटने के विषय में भी बताता है। तब दूल्हा कहता है, आ मेरी प्रियतमा मेरे साथ चल। तब वह अपनी दुल्हन को संसार से अलग होने के लिए कहता है। शीत ऋतु बीत गई है, भूमि पर फूल खिल चुके हैं। 2:11-12। ग्रीष्म ऋतु की तुलना प्रभु के पृथ्वी पर आने की निकटता से की गई है। 24:32-33। अब हम उस समय में रह रहे हैं जब प्रभु का आना निकट है। दूल्हा फिर बड़े स्नेह के साथ कहता है, ओ मेरी कबूतरी, चट्टानों की बड़ी दरारों में मैं तेरा रूप देखने पाऊं, मैं तेरी वाणी सुन पाऊं, क्योंकि तेरी वाणी मधुर है और तेरा रूप मनोहर है। 2:14। यह चट्टान मसीह है जिसकी आड़ में हम छुपे हुए हैं। ये शब्द हमारे लिए प्रभु के प्रेम, स्नेह और देखभाल की गहराई दर्शाते हैं। अगर हमारा इन पर विश्वास होगा तो ये हमारे अंदर से सभी तरह की असुरक्षा और भय दूर कर देंगे। फिर दूल्हा कहता है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ ले, उन छोटी लोमड़ियों को जो दाख की बारियों को उजाड़ती है, क्योंकि हमारी दाखलताओं में फूल लगे हैं। 2:15। ये वो शब्द है जो हमें लगातार सुनते रहने की जरूरत है। दाख की बारी को उजाड़ने वाली बड़ी लोमड़ियों बड़े पापों को देख लेना आसान होता है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी लोमड़ियां भी होती है जो हमारी बारी में घुस आती है और अंगूर खा लेती है, और ये ज्यादा
खतरनाक होती है क्योंकि ये जल्दी नजर नहीं आती। वैवाहिक जीवन में भी हमें बड़े खतरों पर, जैसे एक पति के उसकी पत्नी को मारने पर ध्यान देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम में से ज्यादातर शायद कभी ऐसा नहीं करेंगे। छोटी छोटी लोमड़ियां जो एक विवाह को बर्बाद करती हैं, वे अक्सर मामूली चिड़चिड़ाहट और ऊंची आवाज से बोलना होता है। इससे पहले कि ये छोटी छोटी लोमड़ियां आपके विवाह को नष्ट कर दे, इन्हें पकड़कर मार डालें। आपका वैवाहिक जीवन एक दाख की बारी की तरह है, इसकी देखभाल एक किसान की ही तरह करें। प्रभु के साथ आपका रिश्ता भी एक दाख की बारी की तरह है। ज्यादातर विश्वासियों को व्यभिचार और हत्या जैसे बड़े बड़े पाप प्रभु से दूर नहीं करते, तो छोटी छोटी बातें, अशुद्ध विचार, धन का प्रेम, क्षमा न करने का मनोभाव आदि प्रभु और हमारे बीच आ जाते हैं और उसके साथ हमारे रिश्ते को बर्बाद करते हैं। इसलिए हमें इन छोटी लोमड़ियों को पकड़ने पर ध्यान देना है। 3:1 में दुल्हन ऐसे समय के विषय में बात करती है जब उसे ये एहसास हुआ कि उसका दूल्हा उसके पास नहीं है। एक रात अपने बिछौने पर लेटे हुए उसे अपने स्वामी की याद सताने लगी, लेकिन वह नहीं आया। तब उसने ये फैसला किया कि वह उसे नगर में जाकर ढूंढेगी। 3:1-2, यह दुल्हन ये चाहती है कि उसे ये एहसास होता रहे कि उसका दूल्हा उसके पास है। मैंने उसको खोजा लेकिन न पाया। 3:3 में ये पहरेदार कलीसिया के वे प्राचीन हो सकते हैं जिनके धर्म सिद्धांत तो सही है, लेकिन अय्यूब की पुस्तक के प्रचारकों की तरह जो परमेश्वर को नहीं जानते। उनमें मसीह के प्रति वो भक्ति पूर्ण समर्पण नहीं है जैसा इस युवा दुल्हन में है जो प्रभु से प्रेम करती है। वह इन पहरेदारों के पास गई और उसने उनसे पूछा, क्या तूने मेरे प्राणप्रिय को देखा है? लेकिन वे उसका मार्गदर्शन न कर सके। एक ऐसा प्राचीन जो स्वयं प्रभु को समर्पित नहीं है, वह एक ऐसे व्यक्ति को, जैसे यहाँ एक दुल्हन थी, प्रभु के पास कैसे पहुंचा सकते हैं? विश्वास से भटके हुए मसीही जगत की आज ये एक दुखद साक्षी है कि अब उसमें ऐसे प्राचीन भाई पाना बहुत मुश्किल हो गया है जो युवाओं की अगुवाई करते हुए उन्हें मसीह की भक्ति के जीवन में पहुंचा सके। ऐसे बहुत है जो आपको बाइबल का सत्य सिखा देंगे और ये भी सुसमाचार संपर्क इवेंजेलिज्म कैसे करना है, लेकिन वे ये नहीं सिखा सकेंगे कि यीशु मसीह को भक्ति पूर्वक कैसे समर्पित हो। ये काफी नहीं है कि एक प्राचीन अपने झूठ को पवित्र शास्त्र का ज्ञान दे दे, ये जरूरी है कि वह मसीह के भक्त होने में उनकी अगुवाई करे। ये एक अच्छे पहरेदार का चिन्ह है। अंततः दुल्हन को उसका प्रियतम मिल गया। 3:4, मेरे आरंभिक दिनों में मेरा भी यही अनुभव रहा था। मेरे आसपास ऐसे ईश्वरीय अगुवे नहीं थे जो मेरी अगुवाई करते हुए मुझे मसीह की भक्ति में पहुंचा पाते। मुझे स्वयं पवित्र आत्मा ने मसीह की भक्ति के जीवन में पहुंचाया। आप में से कुछ लोग भी शायद ऐसी जगहों में रहते होंगे जहां आपकी अगुवाई के लिए कोई ईश्वरीय अगुवे न होंगे।
आप सच्चे हृदय से प्रभु को खोजे और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करते हुए आपको ऐसे जीवन में पहुंचाएगा। जब मैंने उसको पा लिया तो उससे लिपट गई और उसको जाने न दिया। 3:4। अब हम अध्याय 4 पर आते हैं। अब तक ज्यादातर बातें दुल्हन ने ही की थी, लेकिन अब दूल्हा ज्यादा बातें करता है। अब हम दूल्हे को दुल्हन की लंबी सराहना करता हुआ पाते हैं। आत्मिक उन्नति का एक चिन्ह ये होता है कि हम स्वयं ज्यादा बात करने की बजाय प्रभु की बात ज्यादा सुनने लगते हैं। दुल्हन अब परिपक्व हो रही है और जब वह सुनने लगती है तब वह उसके दूल्हे को उसकी सराहना करता हुआ पाती है। वह उसके हर एक अंग की सराहना करता है और अपनी बात ये कहते हुए पूरी करता है, हे मेरी प्राण प्रिय, तू सर्वांग सुंदरी है। 4:7। फिर वह उसे ये कहते हुए आमंत्रित करता है, मेरी दुल्हन, मेरे साथ लेबनोन चल, अबाना के शिखर से, शनीर और हरमोन की चोटियों से और सिंहों की मादों से झांक कर देख। 4:8। ये स्वर्गीय स्थानों में रहने का आमंत्रण है। प्रभु कहता है, सब बातों को एक निचले और पृथ्वी के नजरिए से मत देखो, मेरे साथ ऊंचे स्वर्गीय स्थानों में आओ और वहां से सब देखो। वहां से देखने पर तुम्हें पृथ्वी की बातें बहुत छोटी, धुंधली और मामूली नजर आएंगी। प्रभु हमें एक ऊंचे स्तर पर उठाना चाहता है। ये सच है कि वहां सिंह है, दुष्टात्माएं, प्रधानताएं और अधिकारी, लेकिन हम वहां प्रभु के साथ होंगे और हम उसके साथ मिलकर दुष्टता की इन सारी शक्तियों पर जय पा लेंगे। दुल्हन को अब आत्मिक युद्ध के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। दूल्हा दुल्हन को एक बंद फुलवारी कहता है। 4:12। एक खास बाग जो खास तौर पर दूल्हे के लिए है, वो और किसी के नहीं है। क्या आपका प्रभु के साथ ऐसा रिश्ता है? क्या प्रभु आपसे ऐसा कह सकता है, तू मेरी बंद फुलवारी है, सिर्फ मेरे लिए है? संसार में ऐसा बहुत कुछ है जो हमें आकर्षित कर सकता है, जैसे पैसा कमाने के बहुत से मौके, सांसारिक शक्ति और ख्याति पा लेना और अपना बड़ा नाम करना आदि। ऐसी बातों को दूसरे पुरुषों द्वारा दुल्हन को प्रलोभित करने के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन ये दुल्हन प्रलोभित नहीं होती, वह सिर्फ अपने प्रियतम से प्रेम करती है, वह सिर्फ अपने दूल्हे की है। ऐसे बहुत कम विश्वासी है जो प्रभु के साथ ऐसे विशिष्ट संबंध में रहते हैं, और यही वजह है कि उसे एक आत्मीय रूप में नहीं जानते और उसके वचन को नहीं समझते। बाइबल को समझने का भेद सबसे पहले प्रभु के साथ एक घनिष्ठ संबंध के होने में है। उसके वचन में क्या लिखा है, ये हमें उससे बढ़कर कौन समझा सकता है? उसके साथ वैसे ही चले जैसे आरंभिक शिष्य चलते थे और अपने अंदर ये लालसा रखे कि वह आपके साथ वैसे ही बात करे, तब आपकी भी आंखें उनकी तरह खुल जाएंगी और आपके भी हृदय उनकी तरह जलने लगेंगे। आधी शताब्दी तक प्रभु के साथ जलने में मैंने यही जाना है। दुल्हन अब उत्तरी हवा और दक्षिणी हवा को अपने बाग में आने के लिए आमंत्रित करती है।
4:16 उत्तरी हवा पीड़ा, विषमता और परीक्षाओं वाली शीत लहर है और दक्षिणी हवा आशीष, उत्साह वर्धन, संपन्नता और आनंद की लहर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी हवा चल रही है, परिणाम एक ही होगा, चारों तरफ एक खुशबू उड़ेगी। हमारा जीवन चाहे चैन आराम का जीवन हो या मुश्किलों और परेशानियों भरा जीवन हो, परमेश्वर की कृपा से हमारे अंदर से मसीह की खुशबू आती रहेगी। हमारे हालात चाहे जो भी हो, हमारे जीवन में से परमेश्वर के लिए निरंतर धन्यवाद, स्तुति और आराधना निकलते रहेंगे। मेरा प्रियतम मेरे बाग में आए और मन चाहे फल खाए। 4:16 हमारे जीवन बाग में जो कुछ होता है सब प्रभु के लिए ही होता है, दूसरे लोगों को इस बात से प्रभावित करने के लिए नहीं कि हम कितने आत्मिक हैं। जब आप अपने जीवन की साक्षी दे, तब लोगों को दिखाने की कोशिश न करें कि आप कितने अनोखे व्यक्ति हैं। इसके बजाय उन्हें ये देखने दे कि आपका मुक्तिदाता कितना अद्भुत है, वरना आपके फल परमेश्वर के लिए नहीं मनुष्यों के लिए होंगे। यह दुल्हन कहती है, मेरे बाग में जो कुछ भी है वह सब मेरे प्रियतम के लिए है। क्या परमेश्वर ने किसी को मसीह के पास लाने के लिए आपको इस्तेमाल किया है, तो इस बात में आनंदित न हो कि आपने क्या किया था। स्वर्गदूतों के साथ आनंद मनाए कि एक पापी ने मन फिराया है, उसे प्रभु ने बदला है, आपने नहीं। अगर आपने प्रभु के लिए कुछ बलिदान किया है तो उसके विषय में किसी को न बताएं। हम अपने बलिदानों का ढिंढोरा पीटते हुए क्यों घूमें? एक पत्नी जो अपने पति से गहरा प्रेम करती है, क्या वह सबको उन बलिदानों के बारे में बताती है जो वह अपने पति के लिए करती है? एक पत्नी और एक पति के बीच में बहुत सी गुप्त प्रेम भरी बातें होती है। इसी प्रकार हमारे और प्रभु के बीच में भी प्रेम भरी गुप्त बातें होनी चाहिए। ये हो सकता है कि आप प्रभु के साथ एकांत में समय व्यतीत करते हो, ये अच्छा है, लेकिन कोई दूसरा इसके बारे में क्यों जाने? क्या एक पत्नी जो अपने पति को अपने हृदय की गहराई से प्रेम करती है, ये नहीं चाहेगी कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके एक दूसरे के साथ बिताए समय के विषय में जाने? इस वजह से ही यीशु ने ये कहा था कि प्रार्थना करते समय तुम अपना द्वार बंद कर लेना। जो समय हम अपने प्रियतम के साथ बिताते हैं, उसके विषय में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसे मसीह पाना बड़ा दुर्लभ है। ज्यादातर मसीही अपने बलिदानों और प्रभु के लिए उनकी सेवा के विषय में सबको इस तरह से बताने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं, जिसमें सारी महिमा उन्हीं को मिले। यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका प्रभु के साथ प्रेम का रिश्ता नहीं है। ऐसे सभी मसीहों के लिए सुलेमान का गीत एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। मैं प्रभु का बहुत आभारी हूँ कि जब मैंने अपना मसीही जीवन शुरू किया, तब उसने सबसे पहले मुझसे इसी पुस्तक का अध्ययन कराया था। प्रभु के साथ हमारा ये प्रेम संबंध ही हमारी सेवा का आधार होना चाहिए। 2 कुरिन्थियों 11:3 में पौलुस कहता है, लेकिन मुझे भय है
कि जैसे सर्प ने हव्वा को अपनी धूर्तता से धोखा दिया, वैसे ही तुम्हारे मन मसीह की भक्ति की सरलता और पवित्रता से कहीं भटक न जाए। हम कब भटक जाते हैं? जब हम मसीह की सरलता से भक्ति करना छोड़ देते हैं। मार्ग से भटक जाने के लिए आपको चोरी करने, व्यभिचार करने और झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती। अगर आपने मसीह की उस सरल भक्ति को छोड़ दिया है, तो शैतान आपको पहले ही बहका चुका है। दूल्हा दुल्हन के इस आमंत्रण को स्वीकार कर लेता है कि वह उसके बाग में खाने के लिए आए, और वह कहता है, मैं अपने बाग में आया हूँ। 5a। अब वह उसे अपना बाग कहता है। वह फल बटोरने के लिए आता है, फिर दूसरों को भी आमंत्रित करता है कि वे भी आकर उसके साथ खाए। हमारा प्रभु हमारे जीवन को बहुत से लोगों के लिए एक आशीष बना देता है। अब दृश्य बदलता है और दुल्हन एक रात की घटना बताती है। मैं तो नींद में थी, लेकिन मेरा मन जाग रहा था। 5:2। अचानक उसने अपने प्रियतम की आवाज सुनी। प्रभु हमें कभी कभी अचानक आवाज देता है। वह चाहता है कि हम उसकी आवाज सुनने के लिए हमेशा सचेत रहे। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर अब्राहम को कभी कभी अचानक आवाज देता था, अब्राहम, अब्राहम, और अब्राहम फौरन जवाब देता था, मैं यहाँ हूँ। फिर वह समय, चाहे रात के बीच का ऐसा समय भी क्यों न हो, जिसमें अब्राहम सो रहा होता था। उत्पत्ति 16:16 और 17:1 में 13 साल की खामोशी के बाद परमेश्वर ने एक दिन अब्राहम को अचानक आवाज दी और अब्राहम ने फौरन जवाब दिया। अपने सारे क्रियाकलापों के बीच वो प्रभु की आवाज सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता था। प्रभु ने शमूएल को रात के बीच में पुकारा और शमूएल ने उठकर सुना। हम सबको ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि जब दूल्हा रात के बीच में बुलाने के लिए आया, हे मेरी प्रियतमा, मेरे लिए तेरा द्वार खोल। 5:2। तो आलस के कारण दुल्हन अपने वस्त्र बदलकर द्वार खोलना नहीं चाहती है। 5:3। उसे ये चिंता हुई कि वह अपने पाँव जो उसने धो लिए थे कैसे दोबारा मैले करे। दूल्हे ने खुद ही कुंडी खोलने की कोशिश की। 5:4। तब दुल्हन ने अपना मन फिराया और उठकर द्वार खोला, लेकिन तब तक उसका प्रियतम जा चुका था। वह इसलिए चला गया क्योंकि उसके पुकारने पर उसने फौरन जवाब नहीं दिया था। यही हमारे साथ भी हो सकता है। प्रभु हमसे ये कह सकता है, जो कुछ तू कर रहा है उसे छोड़ दे, इस पुस्तक को पढ़ना बंद कर दे, ये चर्चा मत कर, आ मुझसे बात कर, चल हम अकेले सैर के लिए चलते हैं। और हम ये कहते हुए जवाब दे सकते हैं, प्रभु थोड़ा इंतजार कर, ये काम जरूरी है और मैं बस ये 15 मिनट में पूरा कर दूंगा, फिर मैं आता हूँ। और 15 मिनट बाद वह जरूरी काम पूरा करने के बाद हम कहते हैं,
हाँ प्रभु, अब मैं तैयार हूँ। लेकिन वह चला गया है, फिर हम उसे नहीं पा सकते। ये बहुत से विश्वासियों का अनुभव है। प्रभु हमें परख कर ये देखता है कि क्या किसी मित्र के साथ चल रही हमारी चर्चा, कोई पुस्तक या हमारा कोई काम स्वयं उससे बढ़कर तो नहीं हो गया है। वह हमें परख कर देखेगा कि हम सब कुछ छोड़कर उसकी बात सुनेंगे या नहीं। क्या आप प्रभु के एक प्रभावशाली सेवक होना चाहते हैं? तो ऐसी आदत डालें कि जब प्रभु आवाज दे तो सब कुछ छोड़कर उसकी सुनने के लिए तैयार हो जाए। आपको इसमें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। दूल्हे ने अपनी दुल्हन से कहा था, मैं पूरी रात बाहर रहा हूँ और ओस से गीला हो गया हूँ। 5:2 लिविंग बाइबल। यीशु क्योंकि पृथ्वी पर खोए हुओं को ढूंढने और उन्हें बचाने के लिए आया था, इसलिए वह सूली अपने खुद से इनकार करने के रास्ते पर चला था और इस संसार की अंधेरी रात में खोई हुई भेड़ों को ढूंढने में उसने पीड़ा सही थी। अब वह अपनी दुल्हन को भी इसी रास्ते पर चलने के लिए बुला रहा है, लेकिन दुल्हन तैयार नहीं है। लेकिन बाद में वह अपना मन फिराती है और उठकर उस मार्ग पर चलना चाहती है, लेकिन अब उसे दूल्हा कहीं नजर नहीं आता। फिर वह दोबारा पहरेदारों कलीसिया के प्राचीनों के पास जाती है। उसने उनके साथ हुए अपने पिछले संपर्क में से भी ये पाठ नहीं सीखा था कि वे उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। उन्हें सूली के रास्ते के विषय में कुछ मालूम नहीं है। इस बार उन्होंने उसे मारा और घायल कर दिया। 5:7 ये प्राचीन विधिवादी थे और उन्होंने उसे अपने शब्दों से घायल किया। उन्हें उसके स्वामी के प्रति उसकी भक्ति की गहराई समझ नहीं आई। उन्होंने शायद उसे इस तरह बोला होगा, तुझे यथार्थवादी होना चाहिए, हमें इस जगत में रहना है और हम प्रभु के ऐसे कट्टर भक्त बनकर नहीं रह सकते। प्रभु को न जानने वाले ऐसे बहुत से प्रचारक हैं, जो आपकी ये कहते हुए आलोचना करेंगे कि आपके पास तो सिर्फ प्रभु से प्रेम करने की ही बात है, मानो ये कोई अपराध है। पहरेदार फिर उसकी चादर छीनकर ले गए, जिसमें ये संकेत है कि उसे ऐसे सभ्य वस्त्र पहनने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने उसे सबके सामने अपमानित किया। इस अनुभव के बाद दुल्हन गुनगुने विश्वासियों यरूशलेम की पुत्रियों के पास गई और उनसे बोली, हे यरूशलेम की पुत्रियों, अगर तुम मेरे प्रियतम को पाओ तो उसे कहना कि मैं प्रेम रोग से पीड़ित हूँ। 5:8 ये समय की बर्बादी थी, क्योंकि वे गुनगुने लोग उसके प्रभु को पाने में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते थे। उन्होंने दुल्हन की तरह उसके सौंदर्य और महिमा को नहीं देखा था। जब उन्होंने उससे सवाल पूछने शुरू किए तो अपने स्वामी की सराहना करते हुए वह अपनी अभिव्यक्ति के अतिरेक में ऐसी भाव विभोर हो गई कि उसने पूरे विस्तार से उन्हें बताया कि वह क्यों उसे इतना सराहती है। और उसने इन शब्दों के साथ अपनी बात पूरी की, उसके बोल बड़े मधुर है, वह अत्यंत चाहने योग्य है,
वही मेरा प्रियतम और वही मेरा मित्र है। 5:16 KJV। क्या आप ये कह सकते हैं कि यीशु सिर्फ आपका मुक्तिदाता ही नहीं, आपका मित्र भी है? पृथ्वी पर आपके पति पत्नी के विषय में क्या कहेंगे? क्या वह भी इस जगत में आपके सबसे अच्छे मित्र हैं? ऐसा होना चाहिए। बहुत से पति और पत्नी ये कहते हैं कि वे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन वे एक दूसरे के सबसे अच्छे मित्र नहीं हैं। उनके सबसे अच्छे मित्र कहीं और हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यीशु मेरा सबसे नजदीकी और सबसे प्यारा मित्र है। वह मेरी पत्नी से भी ज्यादा मेरे नजदीक है, लेकिन पृथ्वी पर मेरी पत्नी मेरी सबसे अच्छी और सबसे नजदीकी मित्र है, और वह जीवन भर रहेगी। इससे मेरा मसीही जीवन और मेरा वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल रहा है। अंततः दुल्हन को उसका प्रियतम उसके बाग में मिल जाता है और वह कहती है, मैं अपने प्रियतम की हूँ और मेरा प्रियतम मेरा है। 6:2-3 ये 2:16 से भिन्न है, जिसमें उसने कहा था, मेरा प्रियतम मेरा है और मैं अपने प्रियतम की हूँ। यहाँ प्रगति नजर आती है। प्रेम के आरंभिक चरणों में उसका ध्यान इस बात पर था, मेरा प्रभु मेरा है। अब उसके ध्यान का केंद्र ये है, मैं हूँ अपने प्रभु की। जब हम जवान और अपरिपक्व होते हैं, तब हम पकड़ने वाले ज्यादा होते हैं, और हम में ये विचार होता है कि प्रभु सिर्फ हमारा है, और तब हम यही सोचते हैं कि हम प्रभु से अपने लिए क्या पा सकते हैं। लेकिन जब हम परिपक्व होने लगते हैं, तब हम पूरी तरह प्रभु को समर्पित होने के विषय में ज्यादा सोचने वाले हो जाते हैं, और ये कि उसे हमारे पार्थिव जीवन में से ज्यादा क्या मिल सकता है। तब दूल्हा अपनी दुल्हन के प्रति उसकी सराहना व्यक्त करता है। 6:4-10 वह कहता है कि सभी स्त्रियों में उसकी प्रियतमा जैसी दूसरी कोई नहीं है। वह तो निष्कलंक है, वह अद्वितीय है। हर एक पति को अपनी पत्नी को इस तरह ही देखना चाहिए। इस संसार में बहुत सी आकर्षक स्त्रियां हैं, लेकिन मेरी पत्नी जैसी कोई नहीं है। वह मेरी नजर में अद्वितीय है। प्रभु हमारे विषय में यही कहता है। वह संसार के सारे चतुर धनवान और महान लोगों से ज्यादा हमें पसंद करता है। 6:10 में वह अपनी दुल्हन की तुलना एक सेना की पताका से करता है। ये दुल्हन कोई कोमल स्त्री नहीं थी, वह एक मजबूत योद्धा थी जो शैतान से और नर्क के दूतों से युद्ध करने को तैयार थी। उसका विवेक सूर्य के समान निर्मल था। 6:13 में उसे शूलेमिन कहा गया है, शूलाम की एक स्त्री, जिसका अर्थ है एक शांतिपूर्ण व्यक्ति। शूलाम इब्रानी शब्द शालोम से बना है, जिसका अर्थ है शांति। ये एक ऐसी दुल्हन है जो लगातार प्रभु के लिए युद्ध करती है। एक सैनिक की तरह अंधकार की आत्मिक सेनाओं से लड़ती है, लेकिन इसके साथ ही वह दूसरे मनुष्यों के साथ शांति से भी रहती है। परिपक्व प्रेम। अब हम दूल्हे के लिए
दुल्हन के प्रेम का परिपक्व स्तर देखते हैं। सातवां अध्याय 1-9 में हम पढ़ते हैं कि दूल्हा कैसे दुल्हन की प्रशंसा करता है। हमें ये स्पष्ट देख लेने की जरूरत है कि हमारी सारी कमजोरियों के बावजूद हमारा प्रभु हमारी सराहना करता है, हमारी प्रशंसा करता है। बहुत से विश्वासी निरंतर एक आत्मदोष की भावना में जीते हैं, जिसकी वजह सिर्फ यही है कि वे ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर उन्हें पसंद करता है। और जब दूल्हा दुल्हन के होठों की प्रशंसा करता है तो दुल्हन तुरंत बोल उठती है कि असल में ये बात उसके होठों के लिए सही है। 7-9 ये इन दोनों की घनिष्ठता के उच्च स्तर के बारे में बताता है। ऐसी घनिष्ठता जो हमारे प्रभु के साथ हमारी होनी चाहिए। 7-10 में दुल्हन ये कहती है, मैं अपने प्रियतम की हूँ, वह मुझसे प्रसन्न रहता है। ये 6-3 के प्रेम के स्तर से भी बड़ा स्तर है। यह दुल्हन सिर्फ ये नहीं कह रही है कि प्रभु उसका है, बल्कि ये कि प्रभु उससे प्रसन्न भी है। प्रभु जब ये कहे मैं तुझसे प्रेम करता हूँ तो ये एक बात है, लेकिन जब वह कहे मैं तुझसे प्रसन्न हूँ तो वह एक बिल्कुल अलग बात है। एक पति अपनी पत्नी से प्रेम कर सकता है, लेकिन ये हो सकता है कि वह उसके काम करने के बहुत से तरीकों से प्रसन्न न हो। प्रभु आपको प्रेम करता है, लेकिन वह आपके जीवन में बहुत सी बातों से अप्रसन्न हो सकता है। परिपक्व प्रेम प्रभु को प्रसन्न करना चाहता है। दुल्हन अब अपने दूल्हे की सहकर्मी बन जाती है और उससे कहती है, मेरे प्रियतम आ, हम खेतों में निकल चले। 7-11 दुल्हन अब दूल्हे की इस दिलचस्पी में, जो एक जरूरतमंद जगत और पके हुए खेतों में है, शामिल हो जाती है, लेकिन उन खेतों में कभी अकेले न जाए, अपने प्रियतम के साथ ही जाए। उसके साथ पहले अपना रिश्ता मजबूत करे और फिर उसकी सेवा करे। वही है जो खेत के उस सबसे अच्छे हिस्से को जानता है जहां आप उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। अपनी सेवकाई में मैंने प्रभु की इस तरह ही सेवा करनी चाहिए है। मैंने कभी स्वयं कहीं जाना नहीं चाहा है। मैंने कहा, प्रभु तू आगे चल और मैं तेरे साथ आऊंगा। हम खेत में साथ साथ जाते हैं। मुझे बता कि तू कहाँ जा रहा है, और अगर तू वहाँ नहीं जा रहा है तो मैं भी वहाँ जाना नहीं चाहता। अगर हम प्रभु के साथ और उसके अधीन रहते हुए उसकी सेवा करेंगे तो हमारे जीवन में कोई अहंकार नहीं होगा और हम किसी दूसरे की सेवकाई के साथ अपनी सेवकाई की तुलना नहीं करेंगे। अब दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ अपनी दाह की बारी का बोझ बांटता है। वो बड़े सवेरे उठकर उसके साथ वहाँ ये देखने के लिए जाती है कि उसमें कोई फल आए हैं या नहीं। 7-12 वो भोज की मेज पर बैठकर सिर्फ उसके प्रेम का आनंद ही नहीं मनाती है, जैसा 2-4 में है। वो तो वो मनाती ही है, लेकिन अब वो उससे कुछ ज्यादा करती है। अब उसे इस बात में भी दिलचस्पी है कि कलीसिया में नए विश्वासी क्या कर रहे हैं।
वह अपनी दाग की बारी की देखभाल करती है, जो वह 1-6 में नहीं कर रही थी। लेकिन वह ये भी देखना चाहती है कि प्रभु का काम कलीसिया में किस तरह से बढ़ रहा है। वह ये देखना चाहती है कि दाखों में फूल लगे हैं या नहीं, और अनारों की कलियां खिली है या नहीं। 7:12 और वह अपने प्रियतम से कहती है, वहां मैं तुझे अपना प्यार दूंगी। अपनी सारी सेवकाई के बीच वह प्रभु के साथ चलना चाहती है और उसके प्रति अपना प्रेम व्यक्त करना चाहती है, और जो कुछ उसका है वह उसने अपने प्रियतम के लिए बचा रखा है। 7:13 अध्याय 8 दुल्हन की उस लालसा को व्यक्त करता है जिसमें वह एक दिन अपने दूल्हे के साथ स्वर्ग में सिद्ध रूप में एक हो जाना चाहती है। वह कौन है जो अपने प्रियतम से लिपटी हुई जंगल में से चली आ रही है? 8:5 उस दिन के विषय में बताता है जब कलीसिया बादलों में अपने प्रियतम के साथ होगी और हमेशा के लिए उसका सहारा पालेगी, वैसे ही जैसे यूहन्ना यीशु की छाती पर झुका रहता है। वह उससे विनती करता है, तू मुझे मुहर के समान अपने हृदय पर लगा ले और तावीज के समान अपनी बाह पर बांध ले। 8:6 वह अपने प्रियतम से अलग नहीं होना चाहती है। वह हमेशा उसके हृदय में जगह और उसकी बाहों का सहारा लिए रहना चाहती है। उन टैटूज चमड़ी में गोंदकर बनाए गए चित्र की तरह जिन्हें लोग अपने हाथों पर गुंदवाते हैं। 8:6-7 ये पद प्रेम और ईर्ष्या दोनों की बात एक साथ करती है। सच्चा प्रेम हमेशा ईर्ष्या करता है, एक ईश्वरीय ईर्ष्या जो ये नहीं चाहती कि कोई दूसरा उसके प्रेम के पात्र का स्वामी बन जाए। 2 कुरिन्थियों 11:2 प्रभु हमारे भीतर की आत्मा की बड़ी ईर्ष्या से कामना करता है। याकूब 4:5 उसका इस बात पर खास ध्यान रहता है कि हम संसार या धन से नहीं बल्कि सिर्फ उससे प्रेम करें। वह एक जलन रखने वाला पति है जो आपको सिर्फ उसके लिए चाहता है। ऐसे जलन रखने वाले प्रेम की तुलना सबसे ज्यादा जगमगाहट वाली लपट से की गई है, यहोवा की लपट। यहोवा इब्रानी भाषा में प्रभु का नाम। इस पुस्तक में सिर्फ यही यहोवा शब्द का इस्तेमाल हुआ है। 8:6 बड़ी बाढ़े और अगाध जल राशियां भी इस प्रेम को नहीं डुबा सकती। 8:7 सूली पर हमारे प्रभु ने इसी प्रेम का प्रदर्शन किया था जब लोगों ने अपनी घृणा की अगाध जलराशि या उस पर उंडे ली, तब उसने पिता से उन्हें क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। दुल्हन अब अपनी उन बहनों के लिए अपनी चिंता व्यक्त करती है जिन्होंने आत्मिक उन्नति नहीं की है। 8:8 अपरिपक्व लोगों की चिंता करना परिपक्वता का एक चिन्ह है। 8:9 एक दिलचस्प पद है जो बताता है कि एक लड़की या तो एक दीवार होगी या एक द्वार। दीवार एक ऐसी लड़की है जो शालीन और संकोची है, जैसा परमेश्वर ने सभी लड़कियों को बनाया है।
लेकिन एक द्वार उन लड़कियों के विषय में बताता है जो पुरुषों के साथ मुक्त होकर व्यवहार करती है। एक खुला हुआ द्वार सीधे भीतर चले आने का आमंत्रण होता है और लड़कियों को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक लड़की एक दीवार की तरह होगी तो परमेश्वर अपनी कलीसिया लड़ाई का मोर्चा बनाने के लिए उसे इस्तेमाल कर सकेगा। लेकिन अगर एक लड़की एक द्वार की तरह होगी तो उसके पिता को उसके चारों तरफ एक बाड़ा बनाना पड़ेगा कि उसका फिर पुरुषों के साथ कोई संपर्क न रहे। 8:10 दुल्हन की आत्मिक परिपक्वता के विषय में बताता है। 8:12 में वह कहती है कि उसने अपनी दाख की बारी की पहली फसल जिसका मूल्य 1,000 शेकेल है सिर्फ अपने प्रियतम के लिए आरक्षित कर दी है। उसका 20% ही दूसरों के लिए है जिसका मूल्य 200 शेकेल है। उसकी सेवकाई मुख्य रूप से लोगों के लिए नहीं प्रभु के लिए थी। हमारी सेवा भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमें अपने पूरे हृदय पूरे जीव और पूरी शक्ति से पहले प्रभु से प्रेम करना चाहिए और उसके बाद ही दूसरों से प्रेम करना चाहिए। 8:13-14 में वह अपनी ये लालसा व्यक्त करती है कि उसका प्रियतम शीघ्र उसके पास आ जाए। जो उसने 2:17 में कहा था ये उससे श्रेष्ठ है। वह उसकी संगति में पहुंचाए जाने की लालसा कर रही थी। या वह मेमने के विवाह में 19:7 अपने प्रियतम के साथ पूरी तरह एक होने की लालसा करती है। ये महिमा की पराकाष्ठा है। इस तरह इस पुस्तक का अंत बाइबल के अंत जैसा होता, दुल्हन की इस पुकार के साथ कि उसका प्रभु जल्दी आए। जल्दी आ प्रभु यीशु, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये कितना सुंदर गीत है। मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन के सभी दिन इस गीत की अच्छाई में बिताएं, आपके वैवाहिक जीवन में और प्रभु के साथ आपके संबंध में। आमीन, ऐसा ही हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम इस तरह जीना चाहते हैं और आपके साथ चलना चाहते हैं। हमारे सारे दिनों में आपकी भक्ति, समर्पण और प्यार में आनंदित होते हुए आपके जैसे जीना चाहते हैं। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।